सरफराज और रिजवान में कंपैरिजन क्या है ये पूछ रहे हैं। सरफराज और रिजवान में लाजिम आते, रिजवान की बैटिंग जो है वो कभी सॉलिड है बहुत ज़्यादा, और जब से आए ये नहीं कि वो पहले नहीं कर रहे तो अब कर रहे हैं, कंटिन्यू मतलब गुड स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर जो है ना, आप देखेंगे जितने मैचेस जीते हैं तो हमारी टीम को जब भी है ना अच्छा मिला स्टार्ट, ओपनिंग स्टार्ट, और ओपनिंग ही मेन चीज़ है। अगर ओपनिंग में इंडिया के खिलाफ चली, क्योंकि फिर नीचे आपको बड़ा फर्क पड़ता है, मार खाई भी होती है, बॉलर ने मार खाई भी होती है, उसके बाद जो नीचे आ रहे होते हैं उनको जो वो जो है फेस करना जो पड़ेगा, नॉट मतलब नई बॉल वो थोड़ी सी यूज होके ना तो वो बड़ी आसान हो जाती बॉल की अच्छी खासी पिटाई कर चुके होते हो। बाद दफा होता है ना जल्दी से दो विकेट तो आप ओपनर तो नहीं है, मगर आप पता चला कि पहले ही ओवर में गए हैं तो आप ये गोइंग के ओपन बिल्कुल ऐसा ही है, वो मुश्किल हो जाता है। हम ये करते थे, मैं ये भी कहता था प्लेयरों को कि हम नई बॉल से भी प्रैक्टिस में नई बॉल यूज करते थे। बैट्समैनों को चाहिए अपने प्रैक्टिस जब करते हैं तो आप नए बॉल से भी, क्योंकि यू नेवर नो आपके पास नए बॉल भी आ सकते हैं ना, दो बॉलें आती हैं 70 के बाद वैसे भी आती हैं, तो जब प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। नया बॉल आएगा, आप नेट में होंगे और वहाँ अच्छा खेलेंगे तो आप ओल्ड को भी अच्छा खेल सकते हैं और नए को भी अच्छा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।